बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट, फाउंडेशन ऑफ साइंस रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट? Foundation of science rests upon physical quantity in terms of which physical phenomena are expressed. Therefore, their accurate measurement is necessary. What? Therefore, their accurate measurement is necessary. Measurement is not confined to science only. They are also part of our daily life. What? Measurement are not confined to science only, they are also part of our daily life. That is, we use length for measurement of different things. We measure a different thing in different thing of mass in kilogram, as well as time and volume of different liquid used in our daily life. They play an important role in describing and understanding the physical world. What? They also play an important role in describing and understanding the physical worlds. So student, in this lecture we discuss about the physical quantities. What? Physical quantities. What are physical quantities? फिज़िकल क्वांटिटी, बच्चों आपके पास वो क्वांटिटी होती हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये मार्कर है, इसको क्या मैं मेजर कर सकता हूँ? यस, वी कैन मेजर। हम इसकी लेंथ, इसकी वेट फाइंड करेंगे, इसको मैं नाप सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं उनको बच्चों कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्लियर होगी बात? सो ऑल दोज क्वांटिटी लाइक एनी मैटर्स, आप ऐसे जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, उनको आप मेजर कर सकते हैं। सो इट्स सेकंड डेफिनेशन इज़ द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड एन एनी पैरामीटर फॉर मेजर आर कॉल्ड फिज़िकल क्वान्टिटीज़। बच्चों आपके पास वो क्वान्टिटीज़ जिसको मेजर करने के लिए आपको किसी पैरामीटर की ज़रूरत हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वान्टिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस मार्क को मेजर करना है, तो इसको मेजर करने के लिए मुझे कोई ना कोई पैरामीटर तो चाहिए होगा, कोई ना कोई स्केल वगैरह ऐसे यूज़ करूँगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिससे मैं कंपेयर करूँगा उस पैरामीटर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कोई एक पैरामीटर की मदद से आप मेजर कर सकते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो वी कैन से दैट द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड एनी पैरामीटर फॉर मेजर आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी। सो दिस इज़ the definition of what physical quantity. आपने student first definition को याद रखनी है, physical quantity are those which can be easily measured. Now next, what are types of physical quantity? Student, our second topic is what are types of physical quantity. There are basically two types of physical quantities. What? हमारे पास दो टाइप की फिज़िकल क्वांटिटी होती हैं, एक को कहते हैं बेस क्वांटिटी, दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटी क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम बेस क्वांटिटी को डिस्कस कर देते हैं। बेस क्वांटिटीज आर दोज इन टर्म ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड। व्हाट? बेस क्वांटिटी आपके पास वो क्वांटिटी होती हैं जिसकी बेस पर हम कुछ अदर फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करते हैं। बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसकी मदद से हम और फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करते हैं, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। एग्जांपल बेस क्वांटिटी के आपके पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, दीज आर व्हाट? बेस क्वांटिटी। देयर आर बेसिकली सेवन बेस क्वांटिटी। हमारे पास सात
basic quantity hain ya base quantity hain. There are 7 base quantity which are given in a table. To baad mein hum isko discuss bhi kar lenge. To base quantity clear ho gaya. Har wo quantity student jisko जिसकी मदद से हम और फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं उन क्वांटिटी को कहते हैं बेस क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट इज डिराइव क्वांटिटीज. डिराइव क्वांटिटी क्या होती हैं? डिराइव क्वांटिटी बच्चों आपके पास वो क्वांटिटी होती हैं जो आपके पास बेस क्वांटिटी की मदद से डिराइव्ड होती हैं. हर वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी की मदद से डिराइव हो सके डिराइव होती हैं उन क्वांटिटी को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फिजिक बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी. हर वो क्वांटिटी जो आपके पास बेस क्वांटिटी की मदद से डिराइव हो सके उसको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी. डिराइव क्वांटिटी की एग्जांपल आपके पास आ जाती हैं एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी. मैं एरिया को एक्सप्लेन कर लेता हूँ किस तरह ये हमारे पास बेस क्वांटिटी से आया हुआ है. अब किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर को क्या करना है, इस मार्कर को मैंने इसका एरिया फाइंड करना है या किसी भी रूम का मैंने लेट्स सपोज एरिया फाइंड करने है. तो एरिया का फार्मूला आपने पढ़ा होगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. अब लेंथ को किस में मेजर करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में. विड्थ को किस में मेजर करेंगे? उसको भी मीटर में. अब ये मीटर कहाँ से आए हुए हैं, लेंथ कहाँ से आए हुए, बेस क्वांटिटी से आया हुआ है ना. तो हर वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी की मदद से डिराइव हो सके उनको क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे. इसीलिए हम कहते हैं एरिया इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी. एक और एग्जांपल इसकी डेंसिटी. डेंसिटी का फार्मूला होता है बच्चों आपके पास डी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास कहाँ से आए हुए? मास आप देख सकते हैं किस से आए हुए, बेसिक क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से आए हुए. मास कम फ्रॉम बेस क्वांटिटी एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम का वॉल्यूम को हम किस तरह शो करते हैं? वॉल्यूम को शो करते हैं जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब लेंथ कहाँ से आए हुए? लेंथ को लेंथ बेस क्वांटिटी से आए हुए. विड्थ विड्थ को किस में मेजर करते हैं? उसको भी मीटर में मेजर करते हैं. और हाइट उसको भी आप एज अ लेंथ लेंथ ही होती है ना आपके पास, उसको भी मीटर में मेजर कर सकते हैं. तो वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट आपसे किससे आए हुए? बेस क्वांटिटी से आए हुए. मास कहाँ से आए हुए? मास इज आल्सो कम फ्रॉम बेस क्वांटिटी. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डेंसिटी एरिया वॉल्यूम दीज आर व्हाट दीज कम फ्रॉम बेस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी. सो वी कैन से दैट ऑल दोज क्वांटिटी व्हिच कम फ्रॉम बेस क्वांटिटी विच आर डिराइव फ्राम बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज. एंड बेसिकली देयर आर 7 बेस क्वांटिटी एंड ऑल दोज क्वांटिटी विच कम फ्राम बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज. सो दिस इज स्टूडेंट अबाउट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. और स्टूडेंट 7 बेस क्वांटिटी आपके पास क्या क्या होती हैं ये मैंने आपको टेबल में बताया हुआ है और उनको उनके यूनिट क्या है और उनके सिंबल किस तरह है. अब यूनिट क्या होते हैं मैं थोड़ी देर बाद आपको बता दूंगा. 7 बेस क्वांटिटी आपके पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. उनके यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल. और इनको सिंबल किस किस से सिंबल से शो किए जाते हैं. ये आपके पास 7 बेस क्वांटिटी उनके यूनिट और उनके सिंबल हैं. ये आपने याद रखने हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम. नाउ स्टूडेंट हम अब आते हैं यूनिट क्या होता है या मेजरमेंट क्या होते हैं. अब तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उसमें हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं या वो क्वांटिटी जिसको हम नहीं मेजर कर सकते हैं. व्हाट इज़ मेजरमेंट? सो व्हाट इज़
मेजरमेंट. आर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने इस चीज़ को मेजर किया, इसकी मैंने पैमाइश की. सो हाउ वी कैन मेजर डिफरेंट थिंग्स? वी कैन मेजर डिफरेंट थिंग्स बाय कंपेयरिंग देम विद स्टैंडर्ड. द कंपेरिजन ऑफ समथिंग विद स्टैंडर्ड एज नॉन एज मेजरमेंट. किसी भी चीज़ को अब स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना एक्चुअली क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है. अब स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल दुनिया के जितने भी लोग हैं आपके पास साइंटिस्ट हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि इतनी मार्कर वाली लेंथ को हम फुट का नाम देंगे, या लेट्स सपोज इस मार्कर की लेंथ इतनी लेंथ वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस लेंथ वाली चीज़ को हम मीटर का नाम देंगे. और इस पर आपके पास सारे दुनिया के लोग मुत्तफिक हो गए और इतनी लेंथ वाली चीज़ को मीटर का नाम देंगे और इस मीटर वाली चीज़ को, इतनी लेंथ वाली जो मीटर है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे. क्लियर है? और उस स्टैंडर्ड से हम जो चीज़ों को कंपेयर करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, मेजरमेंट. क्लियर होगी बात? फिर से मैं बता देता हूँ, मेजरमेंट उस चीज़, किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना क्या कहलाते हैं, मेजरमेंट कहलाते हैं. अब स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड आर दोज ऑन विच डिफरेंट साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड आर एग्री ओपन. जिस पर दुनिया के मुख्तलिफ साइंटिस्ट एग्री हो कि इस लेंथ वाली चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस लेंथ वाली चीज़ को हम स्टैंडर्ड कहेंगे, या और उस स्टैंडर्ड की मदद से हम जो चीज़ों को मेजर करते हैं उसको हम क्या कंपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मेजरमेंट. सो कंपेरिजन ऑफ समथिंग विद स्टैंडर्ड एज नॉन एज मेजरमेंट. और वो जो स्टैंडर्ड, वो साइंटिस्ट जिस चीज़ को उन्होंने स्टैंडर्ड करा दिया कि लेट्स सपोज इतनी लेंथ वाली चीज़ को हम मीटर का नाम देंगे, उस स्टैंडर्ड चीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड चीज़ को हम यूनिट का नाम देंगे. ऐसी चीज़ जिस पर दुनिया के मुख्तलिफ लोग एग्री करें कि इतनी लेंथ वाली चीज़ को हम मीटर का नाम देंगे, उतनी लेंथ वाली चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट. क्लियर होगी बात? द स्टैंडर्ड विथ विच थिंग्स आर कंपेयर्ड एज नोन एज यूनिट. मेजरमेंट क्लियर हो गया, मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट क्या होते हैं. उसके बाद आते हैं स्टूडेंट मैग्नीट्यूड क्या होते हैं. मैग्नीट्यूड को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट. जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास होंगी उनको दो चीज़ों से एक्सप्रेस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट. नंबर और यूनिट के प्रोडक्ट से मेजर करेंगे. फॉर एग्जांपल आपको घर से भेजते हैं कि 5 किलो शुगर लेके आ जाओ, कभी ऐसा तो नहीं बोलते कि 5 ये ले आओ, 5 kg शुगर लेके आ जाओ ना, 5 किलो शुगर लेके आओ या 1 किलो शुगर लेके आ जाओ, इस तरह वर्ड यूज़ करते हैं ना. अब ये जो 5 है ये आपके पास क्या है, नंबर है, और kg आपके पास यूनिट है. 5 इज़ नंबर एंड kg इज़ यूनिट. हम इन दोनों को जब मिलाते हैं इनका प्रोडक्ट को हम वर्ड नाम देते हैं मैग्नीट्यूड. अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट इज़ नॉन एज मैग्नीट्यूड. कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके साथ आपके पास यूनिट, प्रॉपर यूनिट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड. तो आज मैंने आपको 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई, मेजरमेंट, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड. फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट, द कंपेरिजन ऑफ समथिंग विद स्टैंडर्ड इज नॉन एज मेजरमेंट. व्हाट इज यूनिट, द स्टैंडर्ड विथ विच थिंग्स आर कंपेयर्ड एज नॉन एज यूनिट. एट थर्ड थिंग, अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट इज नॉन एज मैग्नीट्यूड. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. आपने इन तीनों डेफिनेशन को मेमोराइज करना है. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमारे इतना ही, क्योंकि हम अगर नेक्स्ट टॉपिक को टच करेंगे तो हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा. तो
तो स्टूडेंट आई होप आज के लेक्चर के लिए इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। चलिए एक बार फिर हम अपने मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेन पॉइंट, व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज। फिज़िकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी मेजर। व्हाट फिज़िकल क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी मेजर। इट्स सेकेंड डेफिनेशन आर ऑल दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड एनी पैरामीटर फॉर इट्स मेजरमेंट एज नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज। सेकेंड मेन पॉइंट, types of physical quantities. There are basically two types of physical quantities. First one is base quantity, second one is derived quantities. What are base quantities? Base quantities are those quantities on which, in terms of which other physical quantity can be defined. There are basically seven base quantity which are given in a tables. What are derived quantity? Derived quantities are those quantities that are expressed in terms of base quantity are called derived quantity. Example of derived quantity of volume, speed, density, area, etc. So these are derived quantity. Next main point is measurement. The comparison of something with standard is known as measurement. Fourth main point, standard. What is standard? The standard are those things on which certain area of a people are agree upon, them are called standard. Fifth main point, magnitude. What is magnitude? A number with proper unit is known as magnitude. For example, 5 kg. 5 is number and kg is unit. So in this example, a number with proper unit is given. So it is magnitude. Now, before going to homework, student, आज के लेक्चर के जितने भी मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए, ये सारे के सारे आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपने इन सबको याद रखना है। और होमवर्क स्टूडेंट आपका ये है कि राइट डाउन सेवन बेस क्वांटिटी अलॉन्ग विद देयर यूनिट। जितने भी आपके पास सेवन बेस क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट है और उनके सिंबल हैं, उनकी एक टेबल की फॉर्म में आपने, जैसा मैंने आपको यहाँ लेक्चर में बताया हुआ है, आपकी बुक में 95 पेज नंबर पर गिवन है, वहाँ से आपने इसको बनाना है और उसको याद रखना है। सेकंड, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ईच मेन पॉइंट्स। यहाँ पर मैंने 5 मेन पॉइंट्स बताए हुए, लाइक फिजिकल क्वान्टिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी, मेजरमेंट, स्टैंडर्ड एंड मैग्नीट्यूड। सो इन सब की डेफिनेशन आपने, प्रॉपर डेफिनेशन जितने भी मैंने आपको लिखवाई है, ये प्रॉपर डेफिनेशन ही है, इनको आपने लिखना है। सो दिस इज योर होमवर्क। नाउ कम टू दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। सो जितने भी आपके पास मेन पॉइंट्स हैं, मैं तो आज के लेक्चर में यही कहूँगा कि जितने भी मैंने आपको यहाँ मेन पॉइंट्स मैंशन किए हुए हैं, ये सारे आपके पास अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर आपके पास अमूमन बोर्ड में क्वेश्चन आता होता है कि फिज़िकल क्वांटिटी और टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट, आई होप आपने मेन पॉइंट्स भी नोट कर लिए हैं, लेक्चर भी आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा अगर मुझसे कोई पॉइंट रहता है, या अगर आपको कोई बात समझ में नहीं है, या कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ है, तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तो आई होप नेक्स्ट लेक्चर तक आप इसको सही, होमवर्क भी प्रॉपर तरह से कर लेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।